वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। मैं हूं आपके दोस्त अभिषेक और आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ऑल न्यू रेनो ट्राइबर 2020 RX-Z वेरिएंट। कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर की फॉब देखने के लिए मिलता है कीलेस एंट्री के साथ। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 7.92 लाख ऑन रोड प्राइजेस का आपको मिल जाता है। इसके अंदर 15-20,000 रुपीज़ एसेसरीज एड ऑन है, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो उतना प्राइस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलता है 3 स्लैट की क्रोम ग्रिल, बीच में आपको रेनो का बोल्ड लोगो मिलता है। वहीं ये कार एक MPV और एक हैचबैक का काम कर देती है। डायरेक्टली कॉम्पिटिशन इसका है अर्टिका से, सो इसीलिए इस वेरिएंट के अंदर आपको इसके व्हील्स के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जो कि 14 इंचेस से 15 इंचेस कर दिए गए हैं। वहीं हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर्स में, हालांकि जो प्रोजेक्टर लाइट है उसके अंदर आपको नॉर्मल लाइट ही मिलने वाली है येलो कलर में। नीचे की साइड आपको DRL प्लेस्ड ऑन मिल जाती है और हाउसिंग में आपको क्रोम एसेंट्स का वर्क मिलेगा। नीचे आपको फ्रंट और रियर में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स देखने के लिए मिल जाएंगी जो काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। DRL ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है और काफ़ी ब्राइट ये रात को आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं आप फ्रंट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और अपीलिंग आपको इसका फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसकी साइड लुक की बात करूँ तो साइड्स में आपको जैसे रेनो क्विड आपने देखी थी वहीं सेम क्लैडिंग्स आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर व्हील्स की बात करो तो व्हील्स आपको इसके अंदर स्टील व्हील देखने के लिए मिलते हैं, बट जो इसके अंदर आपको व्हील कैप्स मिलती हैं वो काफ़ी अच्छी व्हील कैप्स लगती हैं जो कि एक अलॉय का एहसास दिलाती हैं। ये आपको देखने के लिए मिलता है 15 इंचेस का व्हील आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि पहले 14 इंचेस का मिलता था। अगर साइज़ की बात करो तो 185/65R15 का आपको व्हील देखने के लिए मिलता है। ORVM आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिलता है और उसी के अंदर आपको ब्लिंकिंग मिरर आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं, बट क्रोम एसेंट्स का वर्क आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। रूफ रेल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती है। बी पिलर और सी पिलर आपको मैट फिनिश के अंदर देखने के लिए मिलता है और सी प्लेयर में आपको RX-Z की बेजिंग देखने के लिए अवेलेबल हो जाती है। रूफ रेल्स आप देख सकते हो मैट लुक के अंदर इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं और रूफ आपको स्लोपी रूफ देखने के लिए मिलती है। पीछे से आपको थोड़ी सी हाइट मिल जाती है जिससे कि अंदर की साइड आपको हेडरूम थोड़ा सा बड़ा मिलता है। बाकी क्लैडिंग्स आपको साइड्स में देखने के लिए मिलेंगी और डोर्स पर आपको ये डिकैल्स मिल रहे हैं। आप इनको कुछ हार्ड थिकनेस से नहीं कह सकते हो, आपको ये स्टिकर टाइप हैं जो कि इसके अंदर मिल रहे हैं। डोर गार्ड्स भी नहीं आप इसको कह सकते हो, सिर्फ डिकैल्स है, स्टिकर है। और 182mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। बैक लुक आपको जो इसके टेल लैम्प्स है वो आपको ईगल शेप के अंदर टेल लैम्प्स देखने के लिए मिल जाती हैं जो काफ़ी फैसिनेटिंग लुक देती हैं। वहीं इसके अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो काफ़ी आपको इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। ABS+EBD ब्रेक असिस्ट, 2 एयरबैग्स और इसके अंदर आपको मिलता है रिवर्स सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। वहीं बैक में आपको मिलता है एक कैमरा और रियर सेंसर्स आपको पीछे की साइड मिल जाते हैं और स्किड प्लेट भी आपको पीछे की साइड अवेलेबल हो रही है। 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो इंजन है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा कि 1 लीटर का इंजन आपको इसके अंदर मिल रहा है, बट इंजन की एफिशिएंसी अच्छी है और अभी तक ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया कि इसमें थोड़ा सा लैग आ रहा है चलाने में। बाकी अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कार में और दिखाता हूँ इसका इंटीरियर भी। आपको मैं अंदर के इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो डुअल टोन फिनिश के अंदर आपको इसका इंटीरियर देखने के लिए मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर काफ़ी काम देखने के लिए मिलेगा। सिल्वर एसेंट्स के आपको डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे और वहीं आपको 4 स्पीकर्स इसके अंदर मिलते हैं जो कि डोर्स के अंदर प्लेस्ड ऑन है और वहीं आपको ये फैब्रिक वर्क मिल जाएगा। और जो आप बटन देख रहे हैं इसके अंदर आपको थोड़ी ग्लॉसी फिनिश आ रही होगी, सॉर्ट ऑफ ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाती है। 4 पावर विंडोज़ के बटन्स और ORVMs को सेट करने के लिए बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ट्राइबर का जो लुक है इंटीरियर का वो कैसा लगा। वहीं जो एक और चीज़ मुझे इसके अंदर डिसएडवांटेज ये लगा कि जो ड्राइवर सीट है उसकी हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है जो कि एक डिसएडवांटेज है। वहीं आपको यूटिलिटी बॉक्स ड्राइवर सीट के नीचे मिल जाता है जिसके अंदर आप आराम से अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, 1 kg तक का आप इसके अंदर लोड डाल सकते हैं। सो एक ये अच्छी चीज़ मुझे ट्राइबर के अंदर लगी। और वहीं जो पेडल्स हैं उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन है तो सेम आपको वहीं मिलेगा। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ तो सबसे बढ़िया चीज़ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि है डिजिटली कंसोल के अंदर। सो इस सेगमेंट के अंदर कोई भी कंपनी
ऐसा स्पीडोमीटर नहीं देती है जो कि ट्राइबर में दिया गया है। वहीं इसके अंदर आपको बीच में सॉर्ट ऑफ MID मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती है, डिस्टेंस टू MT, कितना आपने ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर मिल जाती है। दो एयरबैग्स आपको इसके अंदर फ्रंट में मिलते हैं और दो एयरबैग्स आपको रियर पैसेंजर्स के लिए सीट्स पर मिल जाएंगे। सिल्वर एसेंट्स का वर्क आपको AC वेंट्स के आसपास मिल जाएगा और यहाँ से आप हाइट, लाइट की जो हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। और वहीं सेंटर में आपको मिल जाती है 8 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम, जिसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं, जैसे कि डिस्टेंस टू MT, आपकी जो ड्राइव हिस्ट्री है वो भी आपको इसके अंदर पता चल सकती है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसका डैशबोर्ड का जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। सिल्वर एसेंट्स का वर्क हालांकि हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्लस पॉइंट है। और वहीं जो ग्लव बॉक्स है वो आपको इसके अंदर मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स, जो कि इस कार को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। और वहीं आपको जो सनग्लास होल्डर है वो भी कंपार्टमेंट्स टाइप आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा ग्लव बॉक्स के अंदर, और वहीं एक और कंपार्टमेंट आपको ग्लव बॉक्स से ऊपर भी मिलता है, जो कि एक और मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा। ऐसे इस कार के अंदर आपको 31 यूटिलिटी स्पेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इस कार को और भी ज़्यादा नंबर वन बना देता है। और वहीं मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो वैनिटी मिरर्स हैं वो भी आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि इसके अंदर लाइट्स नहीं दी हैं, बट दोनों ही साइड इन्होंने वैनिटी मिरर्स को दिया है, तो एक प्लस पॉइंट फिर बन जाता है। अंदर की साइड जो IRVM है वो थोड़ा सा छोटा है, शायद उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना चाहिए था। ड्राइवर के अंदर आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC मिलता है, और वहीं पार्किंग के जो हज़ार्ड स्विचेस हैं वो आपको सेंटर में मिल जाते हैं। डोर्स को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ पर सेंटर कंसोल में मिल जाता है। मैनुअल AC आपको मिलता है, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक शायद कंपनी को देना चाहिए था, बट स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है काफ़ी अच्छी जगह कंपनी ने प्लेस ऑन किया है। यूटिलिटी स्पेसिस का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है इस कार के अंदर, और वहीं आपको चार्जिंग का ऑप्शंस इस कार के अंदर सेंटर कंसोल में ही मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग का भी बटन आपको यहाँ पर मिलता है, ऑक्स का बटन भी मिलता है। 5-स्पीड ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन। जो रिवर्स गियर है वो आपको इसको ऊपर पुल करके लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको एक और चिलर मिलता है, जिसको आप कूल्ड कह सकते हो, मतलब छोटा मोटा आप जो स्पेसिस है यहाँ पर आप कोई भी अपनी कोई चीज़ रख सकते हो, जैसे 500 लीटर तक की आपने छोटी बॉटल रख दी, वो आराम से इसके अंदर ठंडी हो सकती है, चिलर यहाँ पर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है कार का स्पेसिस के लिए, जिसको हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और वहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका को ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ पर भी जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, ग्लॉसी फिनिश का वर्क भी आपको काफ़ी जगह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं अगर मैं बात करूँ इसके टच स्क्रीन सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको ऑक्स भी है, ब्लूटूथ भी है, और काफ़ी फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। फ़ोन से आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और वहीं जो एक और सबसे बढ़िया फीचर इसका मुझे लगा कि आपको इसके अंदर जो ड्राइव हिस्ट्री है वो आपको इस कंसोल के अंदर अवेलेबल कंपनी करा देती है। आप देख सकते हैं कि कार को कैसे ड्राइव किया गया था, गियर बॉक्स को कैसे यूज़ किया गया है, गियर को कितना हार्श आपने लगाया था, कितना हार्श आपने नहीं लगाया था। अभी मैं आपको वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ड्राइविंग इको के अंदर आप जाएंगे, आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन का कैसे यूज़ किया गया था, गियर शिफ्ट का कैसे यूज़ किया गया था, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर देख सकते हो। ट्रिप रिपोर्ट आप इसके अंदर देख सकते हो, एवरेज कंजम्पशन कितना हुआ, एवरेज स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस विदाउट कंजम्पशन कितना हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर देख कर अपनी जो ड्राइविंग हिस्ट्री है उनको आप ईजिली देख सकते हैं। और वहीं जो सीट्स हैं वो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, फैब्रिक सीट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, लेदर अपोल्स्ट्री का वर्क आपको इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर भी अवेलेबल नहीं मिलता है। वहीं आप देख सकते हो, मैं आपको अब दिखाता हूँ पीछे वाली सीट्स। जो सेकेंड रो है उसके अंदर आपको मिलते हैं 60:40 की स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, जो कि ये बेंच सीट्स, यहाँ पर आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं मैं आपको सीट्स पॉकेट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में ज़्यादा बहुत मोटा हम्प नहीं है, जो कि इजी है लोगों के लिए बैठने के लिए, और यहाँ से आप
ऊपर के जो एसी हैं, जो ऐसी एसी वेंट्स पीछे दिए हुए हैं, उनको आप इजीली उनकी स्पीड को एक्सेस कर सकते हैं। रूफ लाइट आपको सेकंड रो के ऊपर भी अवेलेबल हो जाती है। सो एक और प्लस पॉइंट आपको मिलता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है वो आपको कैसा लगता है। अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूँ तो ABS प्लस ABD4 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। और जो सीट्स हैं आप उनको इजीली, काफ़ी फंक्शंस हैं इसकी सीट के लिए जिनको आप 2 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर और 7 सीटर यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे एक प्लस पॉइंट इस कार का लगा। वहीं अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम इस कार के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। फाइव फीट 8 इंचज़ मेरी हाइट है और आप देख सकते हो कि हेडरूम काफ़ी ज़्यादा पीछे बच जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है। 3 आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं और वहीं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो पीछे की साइड जो सेकेंड रो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं थर्ड रो में सीट्स को बिल्कुल पीछे की साइड करके बैठता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं बचती है। बट अगर आपको पीछे लगेज वगैरह रखना है तो आप इजीली रख सकते हैं। मैंने इस टाइम सीट को सेकंड रो को बिल्कुल पीछे तक किया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देंगे तो शायद आप इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं। पीछे की साइड 2 लोग इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और वहीं मैं आपको अभी इसका बूट स्पेस दिखा रहा हूँ। 82 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है और सीट्स को आप अगर हटा देते हैं, 50:50 की बेंच सीट्स आपको थर्ड रो में मिलती हैं जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और अपना जो बूट स्पेस है उसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ट्राइबर कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि ये रिव्यू की वीडियो सबको मिल सके। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। सो गाइज़, अभी मैं आपको इसका जो सीट है वो भी रिमूव करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे बूट स्पेस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आप अपने बूट स्पेस को इंक्रीज़ कर सकते हो सीट्स हटाने के बाद।